35 लाख रुपया इंडिविजुअल को दिया जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये जितने बड़े बड़े सफेद हाथी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर है, मेट बी पीआईए, मेट बी रेलवेज, मेट बी द स्टील मिल, इसमें दे आर ओवर स्टाफ्ड। मतलब एक, अगर एक जगह पर रिक्वायरमेंट 5 लोगों की है तो वहां पर 30-30 लोग काम कर रहे हैं और वो 30 के 30 नॉन प्रोडक्टिव हैं। सेम इज द केस जो पीटीवी में भी हो रहा है कि एक चीज के लिए 25 लोग रखे हुए हैं और वो 25 कसम खा के आते हैं कि हम लोगों ने काम नहीं करना। सो इस माइंडसेट को चेंज करना, आई एग्री, जो असद उमर साहब की पहले की स्टेटमेंट थी, अब फर्क है, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड इस सारी सिचुएशन को मैनेज भी करना एक बहुत बड़ी सिचुएशन होगी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए मंसूर, इसमें बात आपने बल्कि बड़ी डिटेल में बात हो गई, शीता ने भी बड़ी डिटेल में सिचुएशन बता दी और आपने भी बड़ी डिटेल में बात कर दी। उसमें यही बात है कि जब कोई किसी इदारे को ठीक करने की बात की जाती है या कोई हुकूमत किसी इदारे को ठीक करने की बात करती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या पॉलिसी इख्तियार की जाए कि इसको हम रिवाइव कर सकें। मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि हम उस इदारे को, जो कि पब्लिक सेक्टर में आता है, तो हम उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो इस सिचुएशन से या सूरत हाल से चीज़ें बाहर हो चुकी हों और इंतहाई मतलब के नुकसान की तरफ वो इदारा जा रहा हो, तो हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिसमें कि मुल्क और कौम को हम किसी तरीके से उस इदारे ही से फायदा दे सकें। अगर वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाता है तो हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है। अब उसमें स्टील मिल के हालात अगर हम देखते हैं तो 2008 और 9 में पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत, तो उस वक्त ये प्रॉफिट से लॉस की तरफ जाना शुरू हुई थी और 2015 में जब पीएमएलएन की हुकूमत थी तो ये मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। उसके कई मुहरिकात रहे थे। अभी आपने ये जो बात की कि जी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, उस वक्त 30,000 के करीब एम्प्लॉयज थे जो कि रिटायरमेंट के बाद या निकलते कटते 8.5 से 9 हज़ार के करीब अब एम्प्लॉयज हैं। अब ये सिस्टम की खराबी की बात आ जाती है, इसको थोड़ा सा समझिए। उसमें ये है कि इन एम्प्लॉयज को मतलब इलीगल और मेरिट के खिलाफ भर्ती कर लिया जाता है और पब्लिक सेक्टर होता है क्योंकि हुकूमत का इदारा होता है, इसलिए उनको पे क्योंकि हुकूमत की टैक्स पेयरर से और हुकूमत के इदारे से जानी होती है, लिहाजा जो हुकूमतें पिछली गुजरी हैं उन्होंने इस तरह से भर्तियां की कि उनके वोट तो पक्के हो जाए, बहरहाल इदारे का जो भी हशर होता है वो हो, तो वो इस तरह के जो हालात हैं उनको भी कंट्रोल, वो भी कंट्रोल से एक तरह से मतलब अब बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। और 5 साल, पिछले 5 सालों में 55 अरब का लॉस स्टील मिल ने हमें दिया है और जो पिछले 2009 से लेकर अब तक जब हमें पीटीआई को जब ये हुकूमत आई है हमारी और जब हमें ये स्टील मिल मिली है तो आप अंदाजा लगा लें कि इसमें अब तक 90 अरब के लॉसेस हैं और मतलब 176 अरब से भी अब तो ये क्रॉस कर गए हैं जो नुकसान। अश्विन, आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा। कुछ रोज कबल ना मैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू कर रहा था और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एक पोजीशन है और वो ऑफिस कैसे काम कर रहा है, ये जितने इश्यूज हैं, ये जितने बिग एलिफेंट्स हैं, वाइट एलिफेंट्स हैं जिनकी हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसे ऑफिस की जो इसको ओवरऑल पाकिस्तान में मैनेज करे। आगे चलते हैं, मुझे ज़रा शज़ा बताइएगा ये नैब को लेकर क्या चल रहा है, नैब वाले शहबाज शरीफ साहब को लेने